वेलकम टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेबी कैप बनाना बताएंगे। यहाँ हमने देखिए यह कैप जो है ऊपर से यानी यहाँ से स्टार्ट किया है। यह 10 फंदे का बना हुआ कैप है। 10 फंदे से हमने इतना 17 फंदे के जाली बनाए हैं यहाँ से यहाँ तक के। आपको हम आगे इसका सारा प्रोसेस बताएंगे। इस टोपी का सेट हमने स्वेटर भी बनाया है गले से बनाया, जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस कैप को आप यहाँ से भी स्टार्ट करके यहाँ इन कर सकते हैं और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ इन कर सकते हैं। और ये देखिए ये फीता भी हमने बांधने के लिए बनाया है, ये देख सकते हैं आप। इस टोपी को जो है 1 से 2 साल यानी 3 साल तक बच्चे तो आराम से इसे पहन सकते हैं। यह देखिए, तो इसे फिर शुरू करते हैं बनाना। यह देखिए यहाँ से हमने टोपी जो स्टार्ट किया है, यह टोपी ऊपरी भाग से स्टार्ट होगी, आगे की ओर से नहीं। यह स्कैल्प के जो है वहाँ से स्टार्ट होता है यह टोपी। यह 10 फंदा का बना हुआ है। इसे हम देखिए 8 जाली बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हमने टोटल जाली 8 बनाए हैं और 10 फंदा का बना हुआ है। इसे आप देख सकते हैं, हमने इसे यहाँ से 5 इंच लंबाई यानी हमने इसे 17 जाली बनाया है। यह देखिए, इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ 10 फंदा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें जो है हम सबसे पहले इसे हमें उल्टा उल्टा बुनना है, आप सीधा सीधा भी बुन सकते हैं। इस तरीके से जो है हम जाली बनाते हुए बुनते जाएंगे। देखिए यह फ्रंट के भाग में है, और लास्ट वाले जो 2 फंदे हैं उसे हमें इसी तरीके से सीधा ही बुन लेना है। और बैक साइड से भी इसे हमें उल्टा बुनते हुए ही बढ़ाते हुए जो है यह ऊपर से जब आगे की ओर जाएगी हेड की तरफ फोरहेड के साइड, तो यह फंदा जो है बढ़ते जाएगा टोटल फंदा। यहाँ देखिए इस तरीके से जो है हम फिर फ्रंट से जो है यहाँ देखिए यहाँ हमने 8 जाली बनाया है, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 हमारा जाली यहाँ बना है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए 8 जाली हमारा दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरीके से हमें आगे जो है फंदा जो है यहाँ 2 फंदा हमारा बढ़ गया, फिर यहाँ फिर 2 फंदा। इसी तरीके से जो है जाली बुनते हुए 2 फंदा, फिर 3 फंदा, इस तरीके से जाली बुनते हुए जाएंगे। और यहाँ जब हमारा यह देखिए यह जाली 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो यहाँ से जब हमारी इसकी लंबाई यहाँ देखिए जब 5 इंच यानी 18 जाली हमारे बन जाएंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी 17 हमारे जब जाली बन जाएंगे तब हम इसे आगे की ओर बनाएंगे। तो फिर हम इसे तब तक हम इसे बुन के तैयार कर लेते हैं। हमारा यहाँ 17 फंदा हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं आप टोटल हमारा 17 फंदा है। अब इसके बाद हम यह जो है यहाँ से 6 फंदा जो है
दो तीन चार पाँच छः। अब हम इस छः फंदा को इस तरीके से देखिए इसे हम उतार लेते हैं। इसे हमें नहीं बुनना है और हमें अब जाली भी नहीं बढ़ानी है। इस छः फंदा को हम बुनना छोड़ देंगे। उसके बाद हम जो है टोटल फंदा जो है उसे सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ देखिए जाली हम बंद कर देंगे। उसके बाद सीधा टोटल बुनते हुए हम यहाँ तक आएंगे। यहाँ देखिए हमने ये छः फंदा रखा था साइड में। अब यहाँ टोटल फंदा जो है हम बुन लिए हैं और यहाँ अब इसे नहीं बुनना है। सिक्स फंदा जो है हम इस तरीके से देखिए दो तीन चार पाँच और ये छः, इसे जो है हम इस पे डाल लिए। उसके बाद यहाँ से हम वापस जो है अब यहाँ से देखिए ये छः फंदा इधर और छः फंदा इधर। अब इसे हमें छोड़ देना है, हमें अब जाली बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है। अब यहाँ से जो है सीधा या उल्टा जो भी डिजाइन आप बनाना चाहते हैं, अभी हम इसे सीधा ही रखेंगे। सीधा या उल्टा जो भी बुनना चाहें आप बुन सकते हैं या कोई भी डिजाइन देना चाहें। तो इसे जो है लगभग हमें 3 इंच बुनते हुए आगे की ओर जाना है। यहाँ देखिए इस तरीके से 3 इंच बुनने के बाद हमें बॉर्डर बनाना है। हम इसे 2 कलर से बनाएंगे। ये हमारा 2 कलर से बनेगा। अभी ये देखिए जाली बिल्कुल भी हम नहीं बना रहे हैं। यह 1 से 2 साल बच्चे का कैप है। अब हमारा देखिए टोपी जो है, यहाँ हमने जाली छोड़ा था, यहाँ जाली छोड़ा था। अब इस यहाँ से इसकी हमने बुनाई कर दी है। लगभग इसे हम 4 इंच बुन चुके हैं। आपको यहाँ देखिए हम इसे माप के बताते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ हमने यहाँ से इसकी बुनाई जो है लगभग हमारा 4 इंच बुनाई हो गया है। और यहाँ से टोपी देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से लगभग 3.5 इंच इसकी बुनाई है। यह 17 जाली हमने बनाया है। इसके आगे जो है बुनने के बाद यह डिजाइन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसे हमने पहले से डाल चुका है। अब इसके आगे जो है 1 कलर में हमें यह पिंक या ये वाइट कलर से आप इसे 8 फंदा जो है 8 फंदा बुन लेंगे। 8 रॉ बुन लेंगे। इस तरीके से देखिए सीधा सीधा बुनेंगे। उल्टा में ही हमें इसका बॉर्डर बनाना है। यह जो है बुना हुआ इस तरीके से ही हमें इसका बॉर्डर बनाना है 8 रॉ में। उसके बाद हमारा टोपी बनके तैयार हो जाएगा। उल्टा उल्टा जो है इस तरीके से बुनावट होगी। इसके आगे फ्रंट से भी हमें सीधा ही बुनना है और बैक से भी सीधा ही बुनते हुए जाना है। अब देखिए यह टोपी का जो है बॉर्डर हमारा 8 रॉ बनके कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ
यहाँ 2, 4, 5, 6, 7 ये उल्टा उल्टा हमने बुन के 8 रो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब इसे इस तरीके से, जिस तरीके से हम गले को बंद करते हैं, गले वाले बॉर्डर को उसी तरीके से हमें इस तरीके से टोटल फंदे जो है बंद कर लेना है। टोटल जो है हमें यहाँ तक हमें इस तरीके से ही बंद कर लेना है। अब देखिए यहाँ टोटल फंदे को यहाँ हमने बंद कर लिया है। उसके बाद हम हमारा स्वेटर इस तरीके का बन के तैयार हुआ है। और इसे उल्टा भाग में हम यहाँ जो है, यहाँ हमने जो यह फंदे को रखा था, अब यहाँ से यहाँ हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से जो है सिलाई कर लेना है। यहाँ तक हमें, ये देखिए यहाँ तक हमें इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से देखिए हम इसकी सिलाई कर लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे की ओर। अब देखिए यहाँ सिलने के बाद पता नहीं चल रहा है कि हमारा कहाँ सिलाई हुई है। अब यहाँ देखिए ये जो दोनों हमने इस पे रखा था फंदे को, अब देख सकते हैं ये भाग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम इसमें फंदे को उठाएंगे, यहाँ से देखिए इस तरीके से जो है हम फंदे को उठाते जाएंगे। देखिए हमने ये टोटल 20 फंदा इसे उठा लिया है। अब इस फंदे को हम एक एक करके 6 फंदे को हम यहाँ खोलने के बाद इसे हम सिलाई पर डाल लेंगे। फंदे को देखिए 6 फंदे हमने डाल लिए, फिर इसे भी हमें डाल लेना है। इस तरीके से जो है तीन चार पांच सात सारे फंदे को हमने 12 फंदे को डाल लिया है। सारे फंदे को हम यहाँ बुनते जाएंगे। अब यहाँ से देखिए हमने 12 फंदे जो है बुन लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे बुनने के बाद जो है फिर से यहाँ 20 फंदे जो है हम फिर से उठा लेंगे यहाँ तक। अब यहाँ देखिए हमने सारे फंदे को उठा लिया है, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे उल्टा, जिस तरीके से यह बुनाई हुई है उसी तरीके से हमें इसे भी बैक से भी सीधा और फ्रंट से भी सीधा सारे फंदे को बुन लेना है। इसे हमने बैक से बुन लिया है सीधा सीधा। अब फ्रंट से भी यहाँ देख सकते हैं आप यह बुनावट हुई है। फ्रंट से भी इसे हमें सीधा सीधा ही बुनना है। इस तरीके से हमें 6 रो इसे कंप्लीट करना है। 6 रो के बाद 7th रो में हम इसे इसी तरीके से हम इसे भी हम फंदे को बंद कर देंगे। टोटल हमें इसी तरीके से इसकी बुनाई करनी है। अब यहाँ देखिए हमने इसे बुन लिया है। बुनने के बाद जो है हमारा यहाँ
इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, यह पीछे का पार्ट है, इसे हम यहाँ ऐसे करेंगे और यहाँ देखिए, यहाँ हम जो है यहाँ फंदे को हम अब इस तरीके से यहाँ फंदे को हम 6 फंदे हमें फिर से यहाँ वापस या बांधने के लिए जो हम फीता बनाएंगे 2, 3, 4, 5 और यहाँ एक फंदा और 6 फंदा जो है हम बांधने के लिए इसे हम उल्टा उल्टा जो है इसी तरीके से हम यहाँ बुन लेंगे। सीधा सीधा फिर इसे फीता जो है सीधा सीधा हम बुन लेंगे। देखिए ये पार्ट तो हमने बना लिया है, दूसरा पार्ट भी हमारा बन के तैयार हो गया है। ये बांधने वाली फीता है, इसे हम अब बंद कर देंगे, सारे फंदे को हम यहाँ देखिए इसे हम अब बंद कर देंगे। तरीके से तो हमारा देखिए दोनों फीता एक समान हो गया है। देखिए इस तरीके से जो है तो हमारा टोपी देखिए इस तरीके का बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम एक यहाँ पॉम पॉम लगा देंगे जिसे हम आपको से देखिए बनाने के लिए हम 2 कलर का ऊन लेंगे इस तरीके से हम 8-9 बार जो है इसे हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ देखिए इसे हम यहाँ कट कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसे इस तरीके से सेंटर पे जो है इसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से काट लगाएंगे। फिर दूसरी गांठ भी लगाएंगे, फिर इसे हम कट कर देंगे। फिर इसे दोनों भाग को जो है हम इस तरीके से कट कर देने के बाद जो है हम इसे हम टोपी के ऊपरी भाग में जो है यहाँ सेंटर पे इसे हम इस तरीके से हम लगा देंगे। अंदर की ओर से हम एक नीडिल लेंगे और इसकी हम इस तरीके से जो है ऊपर से नीचे हम गांठ लगा देंगे। अब हमारा कैप बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। यहाँ हमने पॉम पॉम लगा दिया है इस तरीके से, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में हमारा कैप। यह 1 से 2 साल बच्चे आराम से इसे 2-2.5 साल तक बच्चे आराम से पहन सकते हैं। यह देखिए हमने 8 जाली का यानी 10 फंदे का यह बना हुआ कैप है,
जो बढ़ने के बाद, जाली बढ़ने के बाद इतना बड़ा हमारा कैप बना है। यह फीता बांधने की है। सारा हमने इसका प्रोसेस आपको शुरू से बताया है। आप भी देखें मेरे टोपी बनाने के तरीके को और बच्चों के लिए टोपी बनाएं और मेरे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।